वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं सीटेट 2019 साइंस सेकंड पेपर के संदर्भ में। दोस्त आज हम लोग साइंस सेकंड पेपर में केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे और आज हम आपको बताते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ने वाले क्या हैं और किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक हमको डिस्कस करने हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा साइंस रसायन विज्ञान का सिलेबस है क्या। देखिए फर्स्ट अगर इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा पदार्थ की अवस्थाएं, सेकेंड होगा हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं, थर्ड टॉपिक होगा हमारा अम्ल क्षार और लवण, थर्ड टॉपिक होगा धातु अधातु व उपधातु, और हमारा जो फोर्थ टॉपिक होगा या फिफ्थ टॉपिक जो भी है हमारा होगा कार्बनिक रसायन, और जो सिक्स टॉपिक होगा हमारा बहुलक होगा, और सेवन टॉपिक जो होगा हमारा परमाणु और परमाणु संरचना होगा, और जो एट टॉपिक लास्ट टॉपिक होगा वो हमारी आवर सारणी होगी। दोस्त आवर सारणी पढ़ाया नहीं जाता है लेकिन सीटेट हर टाइम आपको जो क्वेश्चन पूछता है कुछ अलग ढंग से क्वेश्चन पूछता है। तो बाय द वे कहीं यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो इसलिए हम लोग कि हमारा एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए इसलिए हम क्या करेंगे कि आवर सारणी को भी इंक्लूड करके चलेंगे अपने केमिस्ट्री के पार्ट में, और आवर सारणी से किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना है उस पर हम लोग विशेष करके जोर देंगे, क्योंकि अब जो पेपर का स्टैंडर्ड हो रहा है वो लेवल हाई आ रहा है। आपको इधर से क्वेश्चन ना पूछ कर कहीं यहीं से दो चार क्वेश्चन दे दे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए हम लोग आवर सारणी को भी देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री का बैकबोन है आवर सारणी, जब तक आपको आवर सारणी क्लियर नहीं होगी किसी एलिमेंट के बारे में उसके गुण के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। दोस्त आइए आज हम लोग देखते हैं, जैसा कि हमने लिखा है रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान का थोड़ा सा डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं कि डिफिनीशन क्या होता है, रसायन विज्ञान के खोज को किसने किया, किसको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो दोस्त अगर रसायन विज्ञान की अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की गुण संरचना तथा उसमें होने वाले रासायनिक क्रियाओं का चाहे अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वह रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान के अगर फादर की बात करें तो रसायन विज्ञान का फादर हमारा लेवासियो को हमको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का फादर बोला जाता है लेवासियो को, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो लेवासिया, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने जैसा कि लिखा है आपको कि फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा पदार्थ की अवस्थाएं, तो इसमें हम लोग देखिए आज बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं में हमको पढ़ना क्या गया है, कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हमको कवर करना है। ये तो केवल चैप्टर का नाम हो गया दोस्त, और इस चैप्टर के अंदर अभी हमको कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ने हैं, क्या क्या हमको अच्छे से अध्ययन करने हैं और किस टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उस चीज़ को हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे। देखिए अगर यहाँ पे बोले हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं में, तो हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की पांच अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। ये पांच अवस्थाएं हमको किसके आधार पर पढ़ना है, पदार्थ की भौतिक वर्गीकरण के आधार पर हमको ये पांच अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करना है, और हर एक अवस्थाओं का हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे और यहाँ से किस टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे अगर हम बात करें तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, पहला किसमें बांटा गया, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा क्या हो गया, मिश्रण। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे फिर से सुन लीजिए, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। अब फिर यहाँ पे क्या किया कि शुद्ध पदार्थ को फिर दो भागों में बांटा गया, एक क्या होगा, एक हो गया हमारा तत्व और दूसरा हो गया यौगिक। अब फिर तत्व को फिर क्या किया गया, तीन भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। कितने भागों में, तीन भागों में, तत्व को तीन भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु, और यौगिक को यहाँ पे क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, राइट। अगर बात करें फिर यहाँ पे देखिए हमने बताया शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, अब यहाँ पे भी मिश्रण को दो भागों में बांटा गया, पहला क्या, समांग मिश्रण और दूसरा होगा हमारा विषमांग मिश्रण।
अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है स्याही किस प्रकार का मिश्रण है, जो हमारा ब्लड है जो खून है वो किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है। तो बहुत ईजी, जो बारूद है वो किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है, तो सारा चीज़ हम लोग इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे, कौन सा मिश्रण किसको कौन सा मिश्रण कहते हैं और उसकी डिफिनीशन क्या होती है, टोटली हम लोग एक एक थ्योरी को लेकर चलेंगे। दोस्त जैसा कि आप लोग हर टाइम पदार्थ का जिक्र किया, पदार्थ का वर्गीकरण, तो आपके मन में आएगा कि सर आप पदार्थ का डिफिनीशन नहीं बताए, आखिर पदार्थ होता क्या है। अगर बात करें हम लोग दोस्त पदार्थ की, तो वो सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, जिसको हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर लेते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, पदार्थ हैं। लेकिन आपके मन में एक ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर आखिर पदार्थ है क्या नहीं, आखिर अगर हम लोग आपने बोला कि सर ये जो मार्कर है ये भी पदार्थ का उदाहरण है, ये बोर्ड है ये भी क्या है पदार्थ का उदाहरण है, हम हैं हम भी पदार्थ के उदाहरण है, तो आखिर अगर हमको ये पूछ दे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है, दोस्त जैसे घृणा, इमोशन, लव, ये सारे क्या है, ये हमारे पदार्थ के उदाहरण नहीं है, इसको हम महसूस करते हैं, लेकिन क्या इसमें भार होता है, क्या इसमें द्रव्यमान होता है, क्या ये स्थान घेरती है, नहीं, ये सारे गुण इसमें नहीं पाया जाता, इसको केवल हम क्या करते हैं अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा चाहे अपने अंदर इसको महसूस करते हैं, लेकिन इसमें भार द्रव्यमान नहीं होता, इसलिए हमको हम इसको बोलेंगे कि यह पदार्थ नहीं है। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों की व्याख्या, जैसा कि मैंने लिखा है ठोस, द्रव, गैस, तो इसी के सिक्वेंस में हम लोग देखेंगे। पहले मैंने लिखा है ठोस, ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला है आपके सामने ठोस, जिनका क्या होता है आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वो क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं ये मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड, पत्थर, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ठोस के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनका क्या है आकार और आयतन दोनों निश्चित है। अब देखिए कुछ ठोस के गुण हैं, आपसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे नहीं बोलेगा कि ठोस का डिफिनीशन बता दो, अब जो मैं ये पॉइंट लिखा हूँ इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, जैसे कि एक सॉलिड है इसके पार्टिकल्स के बीच क्या है रिक्त स्थान बहुत कम, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं। और मैंने सेकेंड पॉइंट यहीं पे भी लिख दिया है कि ठोस के कणों के बीच अंतर्वाणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। आपसे ये क्वेश्चन बोलता है कि ठोस के कणों के बीच अंतर्वाणविक आकर्षण बल का मान होता है, तो ठोस के कणों के बीच जो अंतर्वाणविक आकर्षण बल होगा इसका मान सबसे ज़्यादा होता है। और एक और पॉइंट है हमारा, ठोस के कणों के बीच गतिज ऊर्जा का मान कम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यही क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ठोस के कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा होती है उसका मान अधिक होता है कम होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है इनमें से ए और बी, ऐसे करके दिया था कि ऑप्शन दोनों, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि जो ठोस के कण होते हैं उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका मान बहुत कम होता है, राइट, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने यार पास पास में हैं कि ये मूव करने में इनको क्या होती है बहुत कठिनाई होती है, इसलिए इनके जो काइनेटिक एनर्जी होती है इनके ठोस के कणों के बीच पार्टिकल्स के बीच वो बहुत कम होती है। अब देखो इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता, ठोस का एक गुण होता है कि उसको हम अधिक कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका घनत्व तो अधिक होता है, इसका जो डेंसिटी, जिसका डेंसिटी जितना अधिक होगा वो उतना ही क्या होगा कठोर होते जाएगा और उसको दबाने में बहुत मुश्किल आएगी। अब आप पूछिएगा सर घनत्व क्या होता है, तो देखिए घनत्व का डिफिनीशन क्या होता है, द्रव्यमान, इसका फॉर्मूला होता है हमारा द्रव्यमान बटा में आयतन, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर बात करें हम लोग घनत्व इक्वल टू, तो आप बोल सकते हैं द्रव्यमान बटा में आयतन। और यहाँ से आपका एक और मन में क्वेश्चन आएगा कि घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, आयतन का मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब होता है। अगर बात करें हम लोग घनत्व के मात्रक की, तो घनत्व का मात्रक हमारा हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ देता है कि एसआई पद्धति में
चाहे एम के एस पद्धति में घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, के जी पर मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे एक और गुण है कि ये बहते नहीं है, इनमें यार इनके पार्टिकल्स इतने पास पास होते हैं कि इनके पार्टिकल्स में बहने का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये अपने बर्तन को पूर्णतया भरते नहीं है, अगर इनको किसी बर्तन में रखा जाए तो यह उस बर्तन को क्या करेंगे, पूर्ण रूप से नहीं भर पाएंगे, कुछ ना कुछ क्या होगा उस बर्तन के बीच में स्पेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका गुण होता है कि ये अपने बर्तन को पूर्णतया भरते नहीं हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं सेकेंड, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की कितनी कितने टाइप्स के होते हैं, पाँच प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। तो अब हम लोग सेकेंड अवस्था के बारे में बात करेंगे, द्रव। देखिए द्रव में क्या होता है, इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। द्रव जो हमारी होती है उसका क्या होता है, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। अगर द्रव के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पानी हो जाएगा, स्याही हो जाएगा, दूध हो जाएगा, ये सब क्या है, द्रव की अवस्थाएं हैं, ये द्रव के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखिए इसके गुण क्या क्या हैं, द्रव के कणों के बीच ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान अधिक होता है। जो द्रव के पार्टिकल्स होंगे उसके बीच में जो हमारा ठोस होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें क्या होगा, रिक्त स्थान अधिक होगा, किसमें, द्रव में, ठोस की उपेक्षा। अब यहाँ पे है कि गतिज ऊर्जा का मान ठोस की उपेक्षा अधिक होता है, क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस की उपेक्षा दूर दूर रहते हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा गतिज ऊर्जा का मान होता है ठोस की उपेक्षा द्रव में सबसे अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है ठोस की उपेक्षा, सबसे अधिक की बात नहीं करेंगे, सॉरी। अब यहाँ पे आएगा आपका कि आकर्षण बल का मान ठोस की उपेक्षा कम होता है, और इनके पार्टिकल्स के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसका मान क्या होगा, ठोस की उपेक्षा कम होगा। और लास्ट हमारा है इसका घनत्व ठोस की उपेक्षा कम होता है, जो हमारा द्रव होता है उसका उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ठोस की उपेक्षा कम होती है, इसलिए इसको हम ठोस की उपेक्षा इसको हम लोग ज़्यादा दबा सकते हैं, राइट, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ से ये हमारा टॉपिक है और ये चीज़ हमको पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्त हम लोग मिलेंगे फिर से पदार्थ की तीसरी अवस्था और चौथी और पाँचवीं अवस्था के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।